चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज सुबह से थोड़ा काम था एंड आज ऊपर आया हूँ अभी छत पे आने पे प्रॉब्लम एक ही है कि थोड़ा हवा होता है एंड आवाज़ थोड़ा कम आता है। आज सुबह से सिर्फ बारिश ही हो रहा है। सो मोर ओवर कल के डेट में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आज के ब्लॉग आज एंड आने वाले एक दो ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए। तो उसका रीज़न ये है कि दिसंबर महीने में, लास्ट दिसंबर 2019 में, जब ये पैंडेमिक नहीं था, आई होप पता नहीं कब दोबारा ऐसा होगा, तो उस टाइम पे मैं ट्रैवल किया था 4 सिटी में, जिसमें पहला था दिल्ली एंड उसके बाद और 3 था जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो उस टाइम पे मैंने कोशिश किया था कि एक फुल ब्लॉग बनाने के लिए, राइट, बट वो फुल ब्लॉग तो हुआ था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप ब्लॉग करने जाते हो ना, ब्लॉग छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, जैसे 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, फिर आप उस सारे ब्लॉग को एक साथ करते हो एंड वो आगे अपलोड करते हो, एडिट करते हो, देन म्यूजिक या फिर कुछ उसमें ऐड करना है तो उसके बाद आप अपलोड करते हो। तो जनरली मेरा क्या हुआ था, मेरा उस टाइम पे आईफोन था एंड आईफोन में क्या होता है कि कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो आप लोगे, आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके आई क्लाउड में सेव हो जाता है, लेकिन उसका एक मैक्सिमम लिमिट है और उस लिमिट को, मतलब स्टोरेज को आपको खरीदना पड़ता है। आईफोन आपको 5 GB दे देता है मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट डे परचेज किया था जब आईफोन 11 यहाँ पे लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो मेरा प्री बुक था एंड उसी दिन मैंने खरीदा था, जिस वजह से मुझे 50 GB तक का फ्री स्टोरेज मिला था। एंड बट क्या हुआ था कि मैं एक के बाद एक वीडियो कर रहा था एंड वो 50 GB का जो स्टोरेज जो है, जो 50 GB का जो लिमिट है वो अबव हो गया था, जिस वजह से क्या हुआ कि जितने भी सारे वीडियोस थोड़े ज़्यादा 4K हैं या फिर थोड़े ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, वो सारे वीडियोस मतलब ख़राब हो गया। मुझे और वो वीडियोस मिला नहीं, मैंने आईफोन को ईमेल भी किया था, मतलब एप्पल को ईमेल किया था, बट वो मिला नहीं, वो मिल नहीं पाया। बट इसमें क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि पूरा ट्रैवल का वीडियो 100%, तो उसमें से लगभग 70% मेरे पास था, 30% मुझे मिला नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया कि जिन जगह पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्लॉगिंग किया, जहाँ पे मैंने उस प्लेस का कैसे आपको जाना है, क्या क्या देखना है उस प्लेस में, ये सारे डिटेल्स बताया था, वो सारे करप्ट कर गए थे, वो सारे मुझे मिला नहीं। और तो अभी अगर मैं ब्लॉग दूँ तो वहाँ पे डिटेल्स मुझे पीछे से बताना पड़ेगा, राइट, जो उस टाइम पे हो नहीं पाया। एंड उसके बाद फिर पैंडेमिक आ गया तो और नहीं हो पाया। तो अभी मैंने कुछ, मतलब वो 70% में भी कुछ वीडियोस मैंने रिकवर किए हैं, डाउनलोड किए हैं एंड वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, राइट, कि मैं कैसे गया था, कहाँ कहाँ मैंने स्टे किया था, कौन कौन से होटल थे, किस टाइम पे आपको जाना चाहिए, कौन सा जगह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि यू विल लव इट, बिकॉज वो वीडियोस बहुत अच्छे हैं एंड बहुत मेहनत करके मैंने वो चीज़ बनाया था एंड यू पीपल विल लव इट। ashes, we carry on. I rise from the ashes, I heal from your passion. My doubts are gone. Oh, yeah. Felt impossible in my bones, like getting blood out of stone. On my own, but you came around and removed the thorn in my soul. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold. In your arms of gold. In your arms of gold. I rise from the ashes, with pins and patches, we carry on. I rise from the ashes, I heal from your passion. My doubts are gone. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spread in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness hadn't flooded, just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless, screamed out loud because. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी आज सुबह का फ़्लाइट था, सुबह 6 बजे फ़्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली आया हूँ। ठीक है, 6 बजे के फ़्लाइट में 8:30 तक आप दिल्ली लैंड कर जाएंगे। उसके बाद लास्ट 2 दिन से नींद एकदम सही नहीं हुआ, जिस वजह से अभी मैं सो गया था आके। मुझे दिल्ली आने में एक प्रॉब्लम हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि दिल्ली में हर होटल का चेक इन होता है 1 से लेकर 2 बजे तक, राइट। सो अगर आप किसी भी होटल पे बुकिंग कर रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपको एक मेल या फिर एक कॉल करना है अर्ली चेक इन के लिए। बट सीज़न टाइम पे अर्ली चेक इन कभी कभी ना भी हो सकता है, राइट। तो उस हिसाब से आपको फ़्लाइट बुक करना है, बहुत सारे फ़्लाइट्स हैं। तो जैसे मैंने मॉर्निंग का फ़्लाइट किया था सुबह 6 से लेकर 8:30, जिसमें मुझे लगभग 3 घंटे एयरपोर्ट में वेट करना पड़ा। उसके बाद ही मुझे चेक इन मिला एंड ये एक प्रॉब्लम था। तो इस वजह से उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो सामान था ब्लॉगिंग का वो सारा बैग में था एंड बैग मैंने होटल भेज दिया था, जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। मैं वो 3 घंटे इंडिया गेट चला गया था, वहाँ पे थोड़ा घूम लिया, क्योंकि वो आप जा सकते हैं कभी भी, टाइमिंग बहुत ब्रॉड है, सुबह 7 से लेकर शाम के 8:30 बजे तक। तो वहाँ पर मैंने घूम लिया। तो इस होटल का लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो कभी वहाँ से जाके बुक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड होटल पे सब कुछ सही है। जैसे मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये मेरा होटल है, राइट। तो होटल पे सारा सामान बिखरा हुआ है। ये मेरा सारा कैमरा का है, लैपटॉप का है, राइट। तो यहाँ पे सारा चीज़ें हैं। अनवेश अपना बैग भी छोड़ के चला गया, पता नहीं क्यों। एंड इधर पे मेरा बैग्स हैं। एंड सो होटल बहुत अच्छा है एंड होटल पे मुझे बहुत सारे यहाँ पे सामान भी दे दिया है, राइट। तो इसमें मेरा सारा सामान है रखने के लिए, यहाँ पे सब कुछ है। एंड इसके अंदर कुछ सामान है जो खाली है अभी, क्योंकि मैंने लगभग सारा ही निकाल लिया है, राइट। सो उसके साथ ही साथ यहाँ पे फ्रिज भी है, आप चाहे तो खाना गर्म भी कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन जिसका ज़रूरत पड़ेगा नहीं, राइट। तो हाय, तो यहाँ पे एक जगह भी है रखने के लिए, ठीक है। तो होटल बहुत अच्छा है, लेकिन होटल पे एक प्रॉब्लम मैंने देखा कि जो रेस्टोरेंट है, जो होटल का जो खुद का जो रेस्टोरेंट है, उसका कॉस्ट बहुत हाई है, राइट। मैंने दोपहर को कुछ खाना मंगवाया था जिसमें टोटल मेरे को 1200 रुपये पड़ा राइट, तो वो बहुत कॉस्टली है, जबकि मैं होटल से खाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा बाहर जाके। बट उस टाइम पे तबीयत इतना ख़राब था कि बाहर जाने का एकदम मतलब मन नहीं करा। तो अभी मैं निकलूँगा, मैं रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो निकलूँगा मैं यहाँ से, निकल के जाएंगे कि थोड़ा कनॉट प्लेस जाएंगे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना है क्योंकि आज कोई जगह घूम नहीं पाया। एंड वहाँ से करोलबाग जाएंगे, थोड़ा घूम लेंगे और उसके बाद कुछ कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, देन वापस आएंगे। आई होप कि अन्वेषा भी रेडी है, देखना पड़ेगा। सो अभी मैं रेडी हूँ। द प्रॉब्लम इज़ दिल्ली में बाहर से आए हुए लोगों का हालत ऐसा ही होता है, स्पेशली फ्रॉम कोलकाता, क्योंकि ठंड वहाँ पर उतना आता नहीं है। मेरा मनी बैग लेना है एंड उसके बाद निकलेंगे। होटल में इतना सारा ड्रायर है कि भूल जा रहा हूँ कहाँ क्या रखा हूँ। ओके, सो अभी निकलेंगे, मिलते हैं बाहर जाके। फिर